आते हैं मित्रों, मैं मनोज मेहरा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल योग और निरोग पर। साथ ही साथ आपसे आह्वान करता हूं 4P पद्धति अपनाएं और अपने आप को निरोग बनाएं बिना औषधि के, बिना चिकित्सक की सहायता के। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, कहा जाता है कि प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते खिलखिलाते रहना चाहिए, जिससे कि आपका तनाव घटता है, आपकी बीमारियां दूर होती हैं, आपकी समस्याएं दूर होती हैं। यदि आप प्रसन्न रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप खिलखिलाकर हंसेंगे तो आपकी सभी बीमारियां दूर होंगी। परंतु मेरा कुछ मानना इससे अलग है, मैं कुछ इससे अलग सोचता हूं। मैं सोचता हूं यदि आप बीमार हैं तो आप प्रसन्न रह नहीं सकते। यदि आपके शरीर में कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्या है तो आप खिलखिलाकर हंस नहीं सकते हैं। इस चीज को यदि आप समझना चाहते हैं, यदि आप समझना चाहते हैं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्या मेरा इस बात को कहने का उद्देश्य है, क्या मैं इसके बाद से रिजल्ट निकालने वाला हूँ, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। बहुत लंबी यह वीडियो होने वाली नहीं है, बहुत छोटी सी बात मैं आपको समझाने वाला हूँ। और उस बात को समझाने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, मेरे वीडियो को लाइक करें यदि आपको बात पसंद आती है, शेयर करें सभी लोगों को, ताकि यदि आपको भी अच्छा लगे तो दूसरों को भी अच्छा लगे। और हमारे चैनल योग और निरोग को सब्सक्राइब कर लें, जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाते हैं। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हमारा विषय है, क्या हम प्रसन्न रहकर स्वस्थ रह सकते हैं, या यदि हम स्वस्थ हैं तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं, इन दोनों बातों में क्या अंतर है। आजकल के सारे एलोपैथी डॉक्टर्स कहते हैं हंसिए, खुश रहिए, आपको तनाव नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगा, आपके शरीर की बीमारियां दूर हो जाएंगी, आप स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन मेरा मानना है, यदि हम स्वस्थ हैं तो हमें तनाव नहीं होगा, यदि हम स्वस्थ हैं तो खिलखिलाकर हंस सकते हैं, यदि हम स्वस्थ हैं तो आप जीवन का आनंद ले सकते हैं, यदि हम स्वस्थ हैं तो हम हमेशा प्रसन्नचित रह सकते हैं, हमें झूठी हंसी नहीं हंसनी पड़ेगी, हमें जबरदस्ती नहीं हंसना पड़ेगा, हमारे अंदर से खिलखिलाहट आएगी, हमारे अंदर से प्रसन्नता होगी यदि हम स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई दुख, दर्द, तकलीफ नहीं है, तभी हम प्रसन्नचित रहेंगे। देखिए, मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। एक बार एक मेरे मित्र की शादी होती है, मित्र के पिताजी जो हैं बहुत ही धूमधाम से शादी करते हैं, अपने जीवन की सारी कमाई उसी शादी में लगा देते हैं। उनकी इच्छा थी कि मेरा इकलौता पुत्र है, मैं इसकी शादी इतने धूमधाम से करूं कि वर्षों तक लोग बाग शहर में याद करें कि उन्होंने अपने पुत्र की शादी की थी, इतना अच्छा इंतजाम किया था, हर चीज का बहुत दिल से स्वागत के तैयारियां करते हैं, पूरे खाने की व्यवस्था, सभी डेकोरेशन की व्यवस्था, मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था, उनके सारी इंतजाम बहुत ही हाई ग्रेड के चल रहे थे। जब शादी हो रही थी, घुड़चढ़ी हो रही थी, सभी डांस लगाकर मजा ले रहे थे, अचानक मित्र के पेट में, पिताजी के पेट में दर्द हो जाता है, बहुत तेज दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, सभी रिश्तेदार उन्हें घेर लेते हैं, जल्दी से डॉक्टर को, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, उनको हॉस्पिटल ले आया जाता है। वहां पर डॉक्टर कहता है कि अभी 2 घंटे यहीं पर आपको भर्ती होना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा, 2-4 इंजेक्शन लगाता है और वो दर्द से कराते रहते हैं, धीरे 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 जाकर रिलीफ मिलता है, 3-4 घंटे में उनका शरीर सामान्य होता है, तब वो वापिस आते हैं। तब तक पूरी शादी का इंतजाम खत्म हो चुका था, फेरे होने का टाइम हो चुका था, जयमाला भी हो चुकी थी, सारा जो एक उत्साह का वातावरण था सब व्यवस्थित हो चुका था, सभी परेशानी में, टेंशन में शादी के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे, जो उत्साह उस समय चल रहा था वो बिल्कुल भंग हो चुका था। और जो मित्र के पिताजी थे वो तो बिल्कुल ही निराश हो चुके थे कि बताइए, मेरी वजह से मेरे पुत्र की शादी में व्यवधान पड़ा और मैंने जो इतना अच्छा इंतजाम करा था, पूरा एंजॉयमेंट का प्रोग्राम था, सब में खलल पड़ गया। अब आप कल्पना कीजिए, क्या उस अवस्था में वो लोग आनंदित हो पा रहे थे? मित्र के पिताजी तो पिताजी, उनके सारे रिश्तेदार भी आनंद को भूल चुके थे, सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी, जितना भी उन्होंने अपने जीवन की कमाई उस शादी में लगाई थी उसका आनंद आने से रह गया था, वंचित हो गए थे सभी, पूरे प्रोग्राम में खलल पड़ चुका था। अब आप बताइए, क्या यदि आदमी स्वस्थ है तब जीवन का आनंद ले पाएगा, या जीवन का आनंद ले रहा है तो स्वस्थ रह पाएगा? दोनों बातों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। मित्रों, इस बात को समझ लीजिए, परमात्मा ने हमें जो यह अरबों रुपए की शरीर मुफ्त में दिया है, अरबों रुपए का शरीर हमें ऐसे दे दिया कौड़ियों के भाव में, बल्कि भाव तो कुछ लिया नहीं, तो हमें इसको स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है।
हम प्रसन्नचित रह सकते हैं, हम आनंदित रह सकते हैं, हम जीवन का आनंद पूरा ले सकते हैं, खिल खिलाकर हंस सकते हैं, यदि हमारे शरीर में कोई व्याधि नहीं है, यदि हमारे शरीर में कोई भी समस्या नहीं है, यदि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन के हर क्षण का आनंद ले सकते हैं। उसके लिए करना कुछ अधिक नहीं है, उसके लिए समझना कुछ अधिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने आहार को व्यवस्थित कीजिए, अपने भोजन को व्यवस्थित कीजिए, पहचानिए क्या चीज हम खाएं कि हमारे शरीर को लगे, क्या चीज हम खाएं कि हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न ना हो, क्या चीज हम खाएं कि हम कभी भी बीमार ना हो। मित्रों, यदि आप अपने आसपास के वातावरण में निगाह घुमाएं तो देख सकते हैं कि हमारे जो आसपास जानवर रहते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। कुछ जानवर जो इंसान के संपर्क में आ चुके हैं वो तो बीमार हो जाते हैं, अन्यथा जंगल में रहने वाला जानवर कभी बीमार नहीं पड़ता है। उसको किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। तो हम इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझदार हैं, हमें क्यों इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की आवश्यकता पड़ी, क्यों हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ी, क्यों हमें महंगे इलाज की आवश्यकता पड़ी, ये सोचना होगा। और सोचना भी नहीं है, इसका सीधा सीधा सरल निष्कर्ष मैं आपको बता देता हूँ, हमें अपने खान पान को व्यवस्थित करना होगा, उन जानवरों से प्रेरणा लेनी होगी जो कि समझदार नहीं माने जाते। हम पढ़े लिखे समझदार हैं लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, उनका ज्ञान हमें सीखना होगा कि हमें क्या खाना चाहिए कि हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न ना हो। मित्रों, यह बात बिल्कुल पक्का है कि जो भोजन आप करते हैं उसी से आपको पोषण भी मिलता है, उसी से आपको बीमारियां भी मिलती हैं। तो कौन सा वह भोजन है जिसको खाने से हम बीमार नहीं होंगे, वो कौन सा भोजन है कि जिसको खाने से हमारे शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा, वो कौन सा भोजन है जिसको खाने से हम स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, किसी भी प्रकार से हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, चिकित्सा करानी नहीं पड़ेगी, महंगे हॉस्पिटल में भर्ती होना नहीं पड़ेगा। वो भोजन पता चलता है 4P पद्धति के द्वारा। यदि आप 4P पद्धति को फॉलो करना शुरू कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, कौन सा भोजन हमारा शरीर आसानी से पचा पाता है, कौन से भोजन को हमारा शरीर पचाने के पश्चात उसके अंदर से मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सभी कुछ एब्जॉर्ब कर पाता है, और कौन सा वो भोजन है जिसको खाने से हमारे शरीर में गंदगी पैदा होती है, जिसको खाने से हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं, यह सभी पता चलता है, इन सभी बातों का ज्ञान मिलता है। आपको 4P पद्धति सीखनी पड़ेगी। 4P पद्धति की टैग लाइन है 4P पद्धति निरोग जीवन बिना औषधि सेवन। इसके अंदर साफ साफ बताया जाता है यदि आप निरोग रहना चाहते हैं, औषधि का सेवन करना नहीं चाहते हैं, तो 4P पद्धति अपनाइए। 4P पद्धति में पूरे विस्तार से वर्णन किया जाता है क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, इन सारे प्रश्नों का जवाब यदि आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है कि 4P पद्धति के अंदर क्या क्या हमें अपने आहार चर्या में परिवर्तन करने होते हैं, किस प्रकार से करने होते हैं, वो सभी बातें 4P पद्धति की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आप जाएंगे, उन प्लेलिस्ट को वॉच करेंगे, पूरे ध्यान से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते हैं, बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ होंगे तो जीवन का आनंद लेंगे, खिलखिलाएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ठहाके मार के हंसेंगे, ऐसे हंसेंगे नेचुरल हंसी हंसेंगे, प्राकृतिक हंसी हंसेंगे। कब हंसेंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे। और हम स्वस्थ कब रहेंगे? जब हमें ज्ञान हो जाए कि हमें क्या खाना है, क्या खाना होने का ज्ञान मिलता है 4P पद्धति को अपनाकर। इस पद्धति को अपनाइए मित्रों, जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे। और यदि आप 4P पद्धति की सारी प्लेलिस्ट को वॉच करते हैं, कुछ बात समझ नहीं आती है, कोई समस्या आती है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9927278327। उसके ऊपर आप कभी भी किसी भी समय अपने क्वेश्चंस को, अपनी समस्याओं को रखिए, उसका आपको तुरंत जवाब मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। मैं पूरी तरह से तत्पर हूं मित्रों कि आप 4P पद्धति को अपनाएं और हमारे देश से, हमारे राज्य से चिकित्सक और दवाइयों की छुट्टियां कर दें, हम निरोग रहें, हम स्वस्थ रहें, पूरी तरह से मस्त रहें, जीवन का आनंद लें, हर क्षण आनंद लें। मेरी बात समझ गए हैं? तो मैं आज की वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद,
जय भारत। परमात्मा से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जीवन का आनंद लेंगे और कभी चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे, कभी औषधि लेने की आवश्यकता आपको महसूस नहीं होगी।